नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में दोस्तों पंचायती चुनाव हुआ है, और ऐसे में आपको बता दें कि जहां बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है, तो वहीं कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनके दोस्तों हारने के बाद मुंह फूल गए हैं, और उसी में से एक है असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ, यूपी में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी की जीत नहीं हुई है। ओवैसी का छलका है दर्द, सपा पर हो गए हैं हमलावार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है। वहीं इस चुनाव में एक भी मुसलमान प्रत्याशी को जीत नहीं मिल सकी। परिणाम आने के बाद से ही AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी लगातार बयान जारी कर रहे हैं। पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को ललकारने के बाद अब ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह पर भी निशाना साधा है। एक ट्वीट थ्रेड में ओवैसी ने अपना दर्द जाहिर किया है। वो लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के 19% आबादी वाले मुसलमानों का एक भी जिला अध्यक्ष नहीं है। मनसूबा बंद तरीके से हमें सियासी और सामाजिक तौर पर दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया है। जिसके बाद दोस्तों पूरी तरह से अब ये मैसेज इनका वायरल हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी थ्रेड में उन्होंने सपा को टारगेट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश की एक सियासी पार्टी खुद को भाजपा का सबसे प्रमुख विपक्षी दल बताती है। जिला पंचायत के चुनाव में उनके 800 सदस्यों ने जीत दर्ज की थी, लेकिन अध्यक्ष चुनाव में मात्र 5 अध्यक्ष ही सीटों पर उनकी जीत हुई है। ऐसा क्यों? क्या बाकी सदस्य भाजपा के गोद में बैठ गए? गौरतलब है कि हाल ही में घोषित हुए जिला पंचायत चुनाव में भाजपा ने 67 सीटें हासिल की हैं, जो कि टोटल 75 सीटें थी, उनमें से 67 सीटें हासिल की है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। वहीं सपा को मात्र 5 सीटें मिल सकी, तो कुल 75 सीटों वाले चुनाव में जनसत्ता दल 1, लोक दल 1 और निर्दलीय दल ने 1 सीट ही जीता है। ओवैसी सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के परिवार को लपेटते हुए आगे ट्वीट किया है। इस ट्वीट में वो लिखते हैं, मैनपुरी, कन्नौज, बदायूं, फरुखाबाद, कासगंज, औरैया जैसे जिलों में इस पार्टी के सबसे ज्यादा प्रत्याशी जीत कर आए थे, लेकिन अध्यक्ष के चुनाव फिर से हार गए। इन सारे जिलों में तो कई सालों में परिवार विशेष का दबदबा ही रहा। अब यह बात तो जग जाहिर है कि जिन जिलों का नाम ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा है, वो समाजवादी पार्टी के दबदबे वाले जिले माने जाते हैं। ऐसे में ओवैसी किस पर निशाना साध रहे हैं, ये बात बखूबी समझी जा सकती है कि उन्होंने सपा यानी कि अखिलेश यादव पर साफ निशाना साधा है। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।